जिस तरह जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन से पहले ही दुकानें और मार्केट्स बंद करने का फैसला कई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने लिया था, वहीं अब जब लॉकडाउन को 50 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और जम्मू कश्मीर में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे 60 दिन होने को आए हैं दुकानें बंद किए हुए, वहीं मैं बात करूँ सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में 21 मार्च को ही दुकानें बंद करने का आर्डर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था। अभी 2 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि कुछ दुकानें जो इसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ नॉन इसेंशियल सर्विस की दुकानें हैं उन्हें भी हफ्ते में 2 दिन खोलने की अनुमति मिल गई है। अनुमति मिलने के साथ ही यह तो क्लियर है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्शन को उठाना शुरू कर देगा, लेकिन केवल कुछ दुकानों को, जो कि मैं बता दूं सिर्फ 3 किस्म की दुकानों को ही यह परमिशन मिली है और केवल हफ्ते में 1 दिन के लिए और 2 या 3 घंटे में ही उन्हें अपना काम निपटाना होगा। इसी को देखते हुए दुकानदारों और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के फार्मर मिनिस्टर श्री मनजीत सिंह जी ने SDM विजयपुर से एक अपील की कि और एक मेमोरेंडम दिया कि वह वो अपील लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को पहुंचाएं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि वो उन्होंने किन दुकानदारों को किन समस्याओं को लेकर उनसे बात की। सर पहले तो आपका बड़ा बड़ा स्वागत है। सर जैसे कि सांबा डिस्ट्रिक्ट में अब रिस्ट्रिक्शन वापस लेने का कार्य किया जा रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रोहित खजूरिया जी हैं उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही ऑर्डर निकाला है और आपने उसी के थोड़ा और जो रियायत मांगी है उनसे आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक ये कोरोना बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है, तो अगर हम सांबा जिले की बात करें या अपने रियासत की बात करें तो सांबा जिला में जो लॉकडाउन है वॉलंटरली ही लोगों ने 16-17 तारीख से दुकानें मार्केट्स अपनी बंद करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी वॉलंटरली बंद हो गया था, स्कूल गवर्नमेंट ने पहले ही बंद कर दिए थे और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है टोटल बिजनेस बंद था। तो जब लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लागू किया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी उन दुकानों को जो है वो खोलने का जो है वो उन्होंने शुरू किया। सांबा जिला में उस वक्त भी 3 घंटे से कोई भी दुकान जो है वो ज़्यादा देर नहीं खुलती थी। अब कल हमने जो मेमोरेंडम दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को थ्रू SDM विजयपुर, वो मकसद हमारा सिर्फ यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करें कि अब चूंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और दूसरा ये है कि ये कोरोना वायरस जो है ये अब लंबी लड़ाई है, ये कोई 2-4-5 दिन में ख़त्म होने वाला है नहीं, हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, हमने देश की तरक्की भी करनी है, देश का विकास भी करना है और कोरोना के साथ जंग भी लड़नी है। अब घर में दुबक के बैठे रहने से या दुकानें बंद करने से मैं समझता हूँ ये एक पीरियड था जो हो गया है, अब हमको आहिस्ता दोबारा देश को पटरी पर लाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में या बाकी ज़िलों में जितने भी हैं वहाँ सभी दुकानों को खोलने का जो है वो शेड्यूल निकाला गया है और टाइम भी उनको जो है 5 से 6 घंटे, जो भी दुकान है, मान लो कोई बर्तनों की दुकान है, कोई बजाजी की दुकान है, कोई और एग्रीकल्चर रिलेटेड शॉप्स हैं, तो उनको वो समय दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने टोटल 3 घंटे का टाइम जो है वो दे रहे हैं। पहले तो मेडिकल शॉप को भी जो है वो सिर्फ 3 घंटे खोलने का उन्होंने हुक्म जारी किया, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की तो उस पर अब मेडिकल शॉप्स को जो है वो 8 से लेकर 6 बजे तक, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये तो 24/7 होना चाहिए क्योंकि कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कभी भी बीमार हो सकता है। अब 6 बजे के बाद कोई बीमार होगा तो क्या वो इंतज़ार करेगा, दूसरे दिन 8 बजे दुकानें खुलेंगी फिर दवाई लेगा? तो इस तरीके से अब हमारी रिक्वेस्ट जो थी, जो कल हमने मेमोरेंडम भेजा है, उसमें हमारा ये है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मान लो अब आगे किसान का बिजाई का फसल शुरू हो जाएगी, लोगों ने बासमती अपनी पनीरी बीजनी है, बहुत सारे लोगों ने अभी पंप सेट का बोर करवाना है, उसके लिए उनको हार्डवेयर की दुकान जब तक नहीं खुलेगी वो अपना काम नहीं कर पाएगा, सीमेंट्स की दुकानें जो हैं स्टोर लोगों के बंद पड़े हैं, ऐसे ही और जितनी भी दुकानें हैं
हम चाहते हैं सरकार से कि सभी को मौका दो, छोटे छोटे मान लो कोई टायर पंचर की दुकान है, कोई वेल्डिंग की दुकान है, कोई गैस स्टोव रिपेयर करने की शॉप है, जो छोटे छोटे जो दिहाड़ीदार टाइप लोग हैं, इनको सरकार ने देना चाहिए कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ये भी काम खोलें। अब बाकी जो दुकानें हैं उनको भी सबको समय मिले, ताकि आहिस्ता 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 और लोगों को अवेयर किया जाए कि लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। अगर आप दुकानें बंद रखोगे, मान लो यहाँ किराने की शॉप्स खुलती हैं, आप कभी जाके देखो 3 घंटे का टाइम होता है, इतना रश होता है वहाँ। अगर वही टाइम बढ़ा दिया जाए तो शायद थोड़ा रश कम हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं, हम एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपरेट कर रहे हैं, लोग फुली कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो वो लोगों के हित में लगा रही है। लेकिन अब चूंकि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और ये हमारे एरिया में ज़्यादातर जो हैं वो केस भी नेगेटिव आ रहे हैं, जो कोई 1-2 केस पॉजिटिव आए हैं वो भी बाद में नेगेटिव हो जाते हैं, उनके फैमिलीज जो हैं वो सारे नेगेटिव आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब ये अलाउ करना चाहिए। अब जब सरकार सरकारी कामों को उन्होंने शुरू करने की इजाज़त दी है, तो प्राइवेट जो लोगों के काम है, किसी ने घर में एक कमरा बनाना है, किसी का कच्चा मकान गिर गया है, किसी ने घर में प्लास्टर कराना है, वो अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट ने, ताकि ये जो लेबर यहाँ रुकी हुई है, जो मजबूर हो रही है भागने के लिए, जो अपना सारा सामान लेके भाग रहे हैं, जब यहाँ काम शुरू हो जाएगा तो वो क्यों भागेंगे, वो तो आए यहाँ काम करने के लिए हैं। लेकिन सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। ये कल हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये मेमोरेंडम भेजा था, और हम एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को समझे, एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए कि अब ज़रूरत है कि सभी व्यापारी अपने बिजनेस खोलें, ताकि लोगों के जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम है, वरना लोग दब जाएंगे। मान लो हम ट्रांसपोर्ट बंद रखेंगे, कितनी देर बंद रखेंगे, या तो इनको रियायतें मिले, वो तो फगा किसी का शिकार बन गए हैं। ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो ऑटो चलाते थे, दूसरे काम करते थे, लोन लेके लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं, तो ये सारी बातें हैं। गवर्नमेंट कह तो रही है 3 महीने किस्तें नहीं दो, 3 महीने नहीं देंगे, लेकिन किस्तें तो देनी है, 3 महीने के बाद उनको ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और कल हमने जो मेमोरेंडम दिया था वो इसलिए दिया था कि सभी बिजनेस, जितनी भी दुकानें हैं, सभी दुकानें खुलनी चाहिए, उनका शेड्यूल बना लो, टाइम टेबल बना लो कि ये 4 किस्म की दुकानें फलां फलां दिन खुलेंगी, ये 4 किस्म की दुकानें फलां फलां दिन खुलेंगी, ये 4 किस्म की दुकानें फलां, तो एक शेड्यूल बना के, जैसे स्कूल में एक टाइम टेबल होता है, ये एक टाइम टेबल बना के 5-5 घंटे का टाइम, अगर दिन में 8 से लेके शाम के 7 बजे तक टाइम दुकानें चल सकती हैं, तो इसको इन पार्ट्स जो है वो अलाउ कर दो, ताकि दुकानें भी खुलें और लोग कोरोना से लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर भी हो जाए। वरना अंदर घर में बैठे गरीब आदमी जो है, आज उसको खाने के लाले पड़ गए। हम तो ये लेबर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ के जो रहने वाले दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारे जो मिस्त्री हैं, हमारे जो लोग रेडियां लगाते थे, फड़ियां लगाते थे, आज वो फगा किसी का शिकार हो रहे हैं। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, सिर्फ घोषणाएं करने से, कि घोषणाएं तो हो रही हैं कि हमने तो स्टोन क्रशर भी खोल दिए, लेकिन सांबा जिला में तो पिछले 6 महीने से जो है ये रेत बजरी उठाने का पाबंदी लगी हुई है, लोगों के इतनी महंगी रेत मिल रही है, सोने के भाव रेत मिल रही है। तो मैं समझता हूँ सरकार नींद से जागे और सरकार इस पर कोई कार्रवाई करे, यही बातें लेके हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले कहा था। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नींद से नहीं जागेगी तो फिर हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हमें लोगों को लामबंद करना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के हित में फैसले ले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन होती ही लोगों के दुख तकलीफ टैकल करने के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि कहाँ परेशानी है, उसको कैसे हल करना है। हम चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ दें, और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि पिछले 2 महीने में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया है, लेकिन अब ज़रूरत है कि जिस तरह बाकी ज़िलों में लोगों को रियायतें दी गई हैं, उनका शेड्यूल निकाला गया है, यहाँ भी इसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी तरीके से, जो जितने भी दुकानदार तबका के लोग हैं या और जो भी बिजनेसमैन हैं, या जो किसान लोग हैं, अब किसान खेती कर रहा है, वो फसल पैदा कर रहा है, मान लो सब्जी के जो पैदा करने वाले लोग हैं, तो उनको सब्जी बेचने नहीं दी जाती,
तीन घंटे के बाद आज इतनी गर्मी है, जो आज 11 बजे रेडी फड़ी जिसकी बंद हो गई, कल जब जो वो सुबह 8 बजे दोबारा खोलेगा तो उसकी भिंडी, उसके टमाटर, उसकी जितनी सब्जी है वो तो कल बिकने के काबिल नहीं रहेगी। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को इन गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इनको समा बढ़ाना चाहिए। और जहाँ जहाँ किसान अपनी फसल पैदा कर रहा है उसको मंडियों तक फसल जो है वो पहुँचाने में कोई उसको बाधा नहीं आनी चाहिए। जो बीमार लोग हैं, मान लो कोई पंजाब में इलाज करवा रहा है, वो 2 महीने से घर बैठा है, उसको परमिशन ही नहीं मिल रही है इलाज के लिए जाने के लिए। तो इस सारी बातों को गवर्नमेंट ने आने वाले समय में देखना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई ठीक फैसला करेगा। सर, मैं टाइमिंग की बात करूँगा, जैसे कि सांबा के साथ 3 जिले लगते हैं, कठुआ, जम्मू और उधमपुर, तीनों की पॉपुलेशन भी सांबा से ज़्यादा है, तीनों का एरिया भी सांबा से ज़्यादा है और कोरोना के केसेस भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे दुकानें भी ज़्यादा खुल रही हैं, उन एरियाज़ में मार्केट्स भी ज़्यादा हैं और टाइमिंग उन दुकानदारों को ज़्यादा मिल रही है। सांबा में केवल कुछ दुकानों को 2 घंटे तक की टाइमिंग है और हफ्ते के 1 दिन, और कुछ को 3 घंटे, जहाँ जो अभी इसेंशियल सर्विसेज की शॉप्स हैं वो 8 से 11 खुलती हैं, वहीं दूसरे ज़िलों में यही टाइमिंग पूरे दिन चलती है, लगभग पूरे दिन चलती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वही इसीलिए मैंने आपने ठीक सवाल किया कि ठीक नोट आपने किया, यही बात को लेके हमने कल मेमोरेंडम दिया था कि जब कठुआ में दुकान जो है वो 8 से 7 बजे तक खुल रही है, मेडिकल की शॉप 24/7 खुल रही है, तो यहाँ पर पाबंदी क्यों है, यहाँ लोगों को क्यों हरास किया जा रहा है? इसीलिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको रिव्यू करें, आप इसको देखें। क्यों 3 घंटे में एक आदमी बजाजी लेने आता है, उसने कपड़ा लेना है, तो वो 3 घंटे में तो वो चॉइस बनाते हैं, उसको टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें समय बढ़ाना चाहिए और दिन भी बढ़ाने चाहिए। मान लो हफ्ते में 1 दिन बजाजी की दुकान, क्यों नहीं वो 3 दिन खुले, क्यों नहीं आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं ये 3 दिन खुलें, क्यों नहीं कुछ और ऐसे काम है, मान लो एक प्रेस वाला है वो कपड़े प्रेस करता है, ड्राई क्लीन वाला है, वो क्यों नहीं उसको 6 घंटे का टाइम दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए समय मिलना चाहिए। मान लो चाय की दुकान है, आप उनको दे दो हफ्ते में 3 दिन, वो भी बेचारे रोजी रोटी कमाएं। तो अब लोगों को मारना थोड़ी है, कोरोना से पता नहीं कोई मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन लॉकडाउन से लोग मर जाएंगे, घर में बैठे गरीब लोग मर जाएंगे, मेंटली लोग हरास हो रहे हैं। तो इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन को, ये आपने ठीक कहा कि जब बाकी जिलों में ऐसा है, बाकी स्टेटों में उन्होंने पूरा पूरा दिन दुकानें खुल रही हैं, यहाँ केस भी बहुत कम है, आबादी भी बहुत कम है और मार्केट भी आप देखो तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में 5 ही बड़े कस्बे हैं, बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, सांबा, कुगवाल और रामगढ़, बाकी तो छोटे छोटे गांव हैं। तो वहाँ तो कोई पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी अलाउ करना चाहिए। और यहाँ मार्केटें जो वो शहर की तरह छोटी छोटी मार्केटें नहीं हैं, विजयपुर तो बिल्कुल एक सीधी सी मार्केट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सांबा की ओपन मार्केट है, बड़ी ब्राह्मणा में बिल्कुल ओपन मार्केट है, कोई तंग गलियों वाली मार्केट तो है नहीं कि यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए मेरी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, जो कि एक अच्छे ऑफिसर हैं, हम उनसे ये अपील करेंगे कि वो इसको रिव्यू करें और लोगों को राहत दें। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को फुली कॉपरेट करें, लेकिन अब चूंकि लोग परेशान हैं, लोगों की दुख तकलीफें बढ़ रही हैं, लोगों को छोटी छोटी परमिशन लेने के लिए दफ्तरों में जाना पड़ रहा है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनको परमिशनें नहीं मिलती हैं, 4-4 दिन उनको परमिशनें नहीं मिलती हैं, लोग थका हार के घर में ही लाचार बन के बैठे हुए हैं। तो इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को कोई अच्छा फैसला लेना चाहिए। सर, सांबा डिस्ट्रिक्ट पूरी लगभग यहाँ पे 70-80% जो इलाका वो ग्रामीण इलाका है और किसानों को पिछले 60 दिनों, लगभग 60 दिनों से कोई भी अपने जो सामान चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमने कंस्ट्रक्शन वर्क अलो कर दिया है, जो मजदूरों को, जिससे रोजी रोटी कमाने में थोड़ी सी उन्हें आसानी हो, लेकिन सांबा ज़िले में कोई भी कंस्ट्रक्शन की दुकान और जो जहाँ पर किसान अपनी ज़रूरतों का सामान ले सके वो कोई भी शॉप जब से रिस्ट्रिक्शन लगी है तब से कोई नहीं खुली है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वही मैंने आपसे ये कहा कि बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रखते हुए एज ए पॉलिटिकल लीडर मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, हर गांव से आए, और मैंने खुद भी महसूस किया कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं, और मुझे उम्मीद है
कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। कल मैंने देवकाम ऑफिस में भी इसके लिए बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस में भी ये बात की कि ये लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, और उन्होंने कहा कि आप लिखित में हमको भेजो और इस पर फिर हम जो है कार्रवाई करेंगे। यही मैं चाहता हूँ कि सांबा डिस्ट्रिक्ट जो एक पूरा ज़िला ही, अलबत्ता मैं कहूँगा विजयपुर भी एक रूरल टाइप है, बड़ी ब्राह्मणा भी एक रूरल टाइप है, बेशक ये म्यूनसिपैलिटियाँ हैं छोटी छोटी, बट यहाँ देहाती टाइप सारा सिस्टम है। तो यहाँ पे लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हर तरीके से उनकी डे बाय डे मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसको गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए और मैं होप करता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर जो है कोई ना कोई अच्छा फैसला लेगी। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है कि उन्हें अपने गृह राज्य भेजने के लिए कुछ किया जाए, लेकिन हमारा कुछ मजदूरों से मिलना हुआ और उनका कहना था कि उनकी रजिस्ट्रेशन तो हो रही है लेकिन उसके बाद ना तो कोई प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई कॉल आती है, ना उनसे कोई कॉन्टैक्ट करता है, कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी अब तक कोई भी प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली है कि वो अपने अपने घर जा सकें, ना कोई उन्हें कोई ऐसा मिला है कि कैसे, उन्हें ये भी नहीं पता है कि उन्हें रेलवे से भेजा जाएगा, बसेस से भेजा जाएगा, और जो बसेस का प्रबंध वो खुद करेंगे जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट जो है इनकी कोई ये एक मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तभी तो आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में लेबर जो है छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग इतना सामान लेके पैदल ही जा रहे हैं। तो कह तो रहे हैं बड़ा कुछ कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जहाज़ों पे आप विदेशों से लोग तो ला रहे हो लेकिन यहाँ के जो हमारे मजदूर हैं वो गरीब लोग जो हैं अब रोज़ हादसे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सरकार कह तो रही है लेकिन इनको कोई राशन नहीं मिल रहा। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ कुछ धार्मिक संस्थाओं का और कुछ NGOs का या कुछ गाँव के लोगों का जो अपने इन मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं, सिर्फ अनाउंसमेंटें हो रही हैं, सिर्फ सब कुछ कह रहे हैं, जैसे आपने ठीक कहा पिछले 10 दिन से यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है लेकिन लेबर को ले जाने की अभी तक बात कोई नहीं हुई, इसलिए लेबर मजबूर होके जो है वो सड़क खुद ही पैदल जा रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि आप स्टेट बंदोबस्त करें लेकिन कोई बंदोबस्त नहीं कर रहा है, तो बड़ा एक मिसमैनेज सा नज़र आ रहा है। तो सर अभी अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक नई डिस्कशन चल पड़ी है कि जो कोरोना के नए मामले आए थे उनको नेगेटिव बताया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये भी एक आपने अच्छी बात की है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि बड़े सारे केस ऐसे आए हैं सामने। अब मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं लेकिन ये एक सवालिया निशान है कि जैसे चक रामचंद सुपवाल में एक फौजी लड़का का आया लेकिन वो फौजी एक महीने से घर था तो उसकी सारी फैमिली नेगेटिव आई, बाद में वो फौजी भी नेगेटिव आया। इसी तरह जेरडाम में 3 दिन पहले वो ट्रक ड्राइवर जो एक महीने से घर में था उसका पॉजिटिव आया लेकिन उसकी सारी फैमिली जो है वो नेगेटिव आई। यही जो है कोटली मटकाली आनंदपुर में हुआ, वो लेडी जिसको दिखाया गया कि ये पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव आई। तो मुझे ये भी इस पे है कि ये किट्स जहाँ जो टेस्टिंग है इसमें कितनी सच्चाई है मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लग रहा है कि ये किट्स जो हैं जिससे ये टेस्ट किए जा रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं, क्या वो ठीक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या कारण है, कहीं ऐसा तो नहीं है एज ए ही भय पैदा करने के लिए वो पॉजिटिव आ गया फिर वो नेगेटिव हो जाता है। ये सारी बातें जो हैं इस पर, अब चूंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं कोई मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन जो बात एक कॉमन आदमी आज सोच रहा है कि एक आदमी एक महीने से अपने घर में है, अपनी फैमिली के साथ है, रूटीन वर्क कर रहा है और वो पॉजिटिव आ गया, उसकी पूरी फैमिली या उसके पूरे रिलेशन के लोग नेगेटिव आ रहे हैं, तो क्या कारण है, क्या वो टेस्ट सही भी हैं या ऐसे ही हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये मेरे साथ मौजूद थे जेके अपनी पार्टी के नेता सरदार मनजीत सिंह, जिनका कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को ये सोचना चाहिए कि जो दुकानदार बाकी बच गए हैं जिनकी दुकानें खोलने की परमिशन अभी तक नहीं मिली है और जिनको मिली भी है उनका भी समय की तरफ थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही उनका कहना था कि हमारे ग्रामीण इलाकों का और ख़ासतौर पर जो अभी मजदूर जहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है लेकिन उनको वापस भेजने के लिए भी कुछ प्रबंध डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए।